तो मनेंद्रगढ़ में अब चूंकि तारीखें आ चुकी हैं तो मुद्दों की गूंज है। यहाँ कई ऐसी स्थानीय समस्याएं हैं जिनको लेकर लंबे वक्त से लोग आंदोलन पर उतारू रहे, लेकिन इन सब के बाद कोई हल निकलता दिखा नहीं। एक मुद्दा यहाँ ऐसा है जो इस इलाके के अस्तित्व से जुड़ा है और वो है चिरमिरी की बंद होती कोयला खदानें। इनके चलते यहाँ रोजगार की समस्या बन गई है और लोग पलायन के लिए भी मजबूर हैं। इसके अलावा शिक्षा और सेहत, इसको लेकर भी लोगों की चिंता है क्योंकि इस मामले में कोई सुविधा नहीं है। जाहिर है आने वाले चुनाव में बीजेपी विधायक के लिए यह सब परेशानी का सबब बनेगा। मनेंद्रगढ़ की सियासत से कोयले का गहरा नाता है। दरअसल मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े इलाके चिरमिरी में जिंदगी इन्हीं कोयला खानों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरह से कहें तो ये कोयला ही यहाँ की सारी गतिविधियों का आधार है, लेकिन अब चिरमिरी की बसाहट पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वजह है लगातार बंद होती कोयला खाने। कोयला खदानों के बंद होने से बड़ी संख्या में खान मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। बड़े कामों को लेके नाराज किए जो काम नहीं हुए, जैसे यहाँ पे स्थायित्व की समस्या, दिन पर दिन पलायन हो रहा, रोजगार विकास इसी पे आधारित है, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हूँ। यदि यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो जाए तो लोगों का पलायन रुक सकता है। यहाँ बहुत कुछ होने के लिए, यहाँ सारे कुछ तो होने के लिए ही है, यहाँ पर सुविधा नहीं है, शिक्षा का सुविधा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सुविधा है। आए दिन अभी देखिए रात में गाड़ियाँ चल रही हैं, दुकानों में घर में डस्ट भर जा रहे हैं, लोग बार बार इंजो प्लास्टिक करा के आ रहे हैं, फिर इंजो प्लास्टिक कराने दौड़ के जा रहे हैं। मतलब इतना भारी मात्रा में डस्टों का आवागमन मतलब बढ़ा है एक महीने के अंदर में। क्या कुछ भी नहीं किया, एक स्कूल के लिए एक बिल्डिंग दिए हैं, वो भी बिल्डिंग देना था जैसे बंगला स्कूल के लिए दिए हैं, उस वहाँ 20-25 बच्चे हैं, जबकि यहाँ कन्याशाला का उन्नयन हुआ है, हाई स्कूल में हुआ है, वहाँ के लिए बिल्डिंग देना चाहिए था, वहाँ के लिए नहीं दिए हैं। जो अनिवार्य चीजें हैं वो नहीं हो रही। वैसे तो बुंदेली में कोयला और पानी की भरमार है और यहाँ पावर प्लांट लगाने की घोषणा खुद सरकार ने की थी, जगह का भी चिन्हांकन हो गया था, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी पावर प्लांट का कुछ पता नहीं। वही मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग भी काफी पुरानी है। हाँ, कुछ कार्य नहीं हो पाए हैं, जैसे कि थर्मल पावर हो गया और ये कैंसर हॉस्पिटल, जो कि विधायक जी हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी काफ़ी प्रयास किए, इनका आवेदन लगाए जाके, जिसमें ये हो गया था कि अब फाइनल होना है, पर उसका शिलान्यास या भूमि पूजन नहीं हो सका, इसका कम से कम जनता को दुख है। थर्मल पावर नहीं बन सका, बड़े कामों की कुछ वो हुआ, छोटे छोटे कामों में रोड पुलिया सड़कें, इन्होंने काफ़ी काम किया है। पलायन और बेरोजगारी के अलावा मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी बड़ी समस्या है। वहीं जंगली क्षेत्र होने के कारण हाथियों के हमले की भी समस्या आम है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि विधायक ने कुछ समस्याओं को दूर करने में अपनी भूमिका निभाई है, फिर भी क्षेत्र को मिल रही सुविधाओं से वे संतुष्ट नहीं है। विपक्ष जहां विधायक की कमियां गिनाने में लगा है, तो सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है। इस बार पूरे क्षेत्र में परिवर्तन की लहर है। जिस प्रकार हम लोग पूरे कोरिया जिले में नगरीय निकायों में कांग्रेस का कब्जा है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जहां भी लोगों से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन है उसका जो विरोध है, और जो क्षेत्र के में उनके द्वारा जो काम नहीं किया जाए, मनेंद्रगढ़ का चाहे वह मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कैंसर रिसर्च सेंटर हो, चाहे पाराडोल में हमारे यहाँ जो थर्मल पावर की बात हो, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों को जिस प्रकार खड़गवा में जो 97% लोगों को जो सिंचाई वंचित कर दिया गया है, ऐसे करते बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और क्षेत्र की जनता सिर्फ परिवर्तन चाहती है। डॉक्टर रमन सिंह की जितनी भी लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं और उसका फायदा जन जन तक पहुँचा है, जो सबसे निचले स्तर पर रहने वाला व्यक्ति है उसको भी उसका लाभ मिला है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए स्वस्थ है और हालात भी इस प्रकार के निर्मित हैं। मैंने 5 साल में अपने विधानसभा का हर क्षेत्र को, चाहे वो मनेंद्रगढ़ क्षेत्र हो, चाहे चिरमिरी क्षेत्र हो,
चाहे खड़गवां क्षेत्र का ग्रामीण इलाका हो, सभी क्षेत्रों को मैंने विकास की धारा में जोड़ने का पूरा प्रयास किया और प्रयास ही नहीं, उस प्रयास में मैंने सफलता भी प्राप्त की। मेरे कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, स्थायित्व के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में एवं किसानों के लिए उनकी खेतों तक पानी पहुंच सके, इस दिशा में कई बड़े कार्य किए गए और इन सब कार्यों के बदौलत क्षेत्र की जनता बेहद खुश है और मैं भी पूरी तरह संतुष्ट हूँ। 2013 में स्थानीय मुद्दों की अनदेखी की वजह से ही बीजेपी ने मौजूदा विधायक की टिकट काट कर नए चेहरे श्याम बिहारी जायसवाल को मौका दिया था, लिहाजा नए विधायक के सामने ये जिम्मेदारी थी कि वो जनता को खुश रखें और स्थानीय मुद्दों पर अपनी पकड़ बनाए रखें। अब वो इसमें कितना सफल हुए ये तो 2018 विधानसभा चुनाव का नतीजा ही बताएगा। बंद होती कोयला खदानें, पलायन करते लोग, अलग जिला बनाने के साथ ही पावर प्लांट और मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ऐसे मुद्दे हैं जो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काफी प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ के मतदाता भी इन मुद्दों को लेकर काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24, मनेन्द्रगढ़। चलिए अब जरा सियासी मिजाज कैसा है मनेन्द्रगढ़ का ये भी आपको बता दें। 2008 में परिसीमन हुआ, इसके बाद इस विधानसभा सीट का दायरा थोड़ा सा सिमट गया, लेकिन इसका महत्व जस का तस से कम नहीं हुआ है। सरगुजा संभाग की अहम सीट मनेन्द्रगढ़ पर कभी कांग्रेस राज करती थी, लेकिन बीते एक दशक से यहां बीजेपी काबिज है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बलखाती सड़कें, अलसाय से गांव कस्बे और काला हीरा यानी कोयले की खाने। जी हां, कोयले की नगरी के नाम से मशहूर मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सरगुजा संभाग की अहम सीट है। राज्य के सबसे छोटे विधानसभा क्षेत्र में से एक मनेन्द्रगढ़ में एक नगर निगम, एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत के साथ 36 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इस तरह इसके ज्यादातर इलाके को शहरी माना जा सकता है। मनेन्द्रगढ़ की कुल जनसंख्या 211,334 है, जिसमें 67,255 पुरुष मतदाता और 62,613 महिला मतदाता हैं, जो चुनाव में प्रत्याशी का भविष्य तय करते हैं। मनेन्द्रगढ़ के सियासी इतिहास की बात की जाए तो 1957 में कांग्रेस के रघुवर सिंह ने यहां चुनाव जीता। इसके बाद 1962 में हुए चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के रत्ती राम को जीत मिली। 1967 और 72 में कांग्रेस के धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस को जीत दिलाई। 1977 में हुए चुनाव में आपातकाल की लहर में जनता पार्टी के राम सिंह ने इस सीट पर फतह हासिल की, लेकिन 1980 और 85 में इस सीट पर एक बार फिर कांग्रेस को जीत मिली और विजय सिंह यहां से विधायक चुने गए। 1990 में चंद प्रताप सिंह ने कांग्रेस को हराकर बीजेपी का परचम लहराया। वहीं 1993 के चुनाव में कांग्रेस के लाल विजय प्रताप सिंह ने बीजेपी के चंद प्रताप को हराकर यहां फिर से कांग्रेस को सीट दिलाई। 1998 में कांग्रेस ने नए चेहरे पर भरोसा जताते हुए गुलाब सिंह को टिकट दिया, जिन्होंने बीजेपी से सीट छीनकर कांग्रेस के पाले में डाल दी। छत्तीसगढ़ के अलग राज्य गठन के बाद 2003 में हुए पहले चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के गुलाब सिंह यहां से विधायक चुने गए। 2008 में सामान्य सीट होने के बाद बीजेपी ने दीपक पटेल को मौका दिया, जिन्होंने एनसीपी के रामानुज अग्रवाल को हराकर 2013 के आम चुनाव में बीजेपी ने दीपक पटेल की टिकट काटकर श्याम बिहारी जायसवाल को मौका दिया, जिन्होंने कांग्रेस के गुलाब सिंह को मात दी। मनेन्द्रगढ़ में जातिगत समीकरण खास मायने नहीं रखते, अलबत्ता यहाँ उम्मीदवार की छवि और विकास कार्य जरूर नतीजों को प्रभावित करते आए हैं और इस बार भी मनेन्द्रगढ़ को वही जीत दिला पाएगा जो लोगों के दिलों को जीत पाएगा। कभी कांग्रेस का गढ़ रही मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट पर पिछले एक दशक से भाजपा का कब्जा है। लंबे इंतजार के बाद मिल रही लगातार सफलता को भाजपा किसी भी सूरत में बरकरार रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस की भी एक कोशिश होगी कि वो इतिहास में दर्ज बातों को फिर से दोहरा पाने में सफलता हासिल करे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24, मनेन्द्रगढ़। चलिए अब जरा चुनावी समीकरण पर नजर डालते हैं। थोड़े उलझे हुए समीकरण यहाँ के हैं। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस में दावेदार ज्यादा हैं,
बीजेपी से जहां मौजूदा विधायक श्याम बिहारी जायसवाल टिकट के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन पार्टी के अंदर उनको चुनौतियां कम नहीं हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नहीं बल्कि दो दर्जन दावेदार मैदान में। आगामी चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और JCCJ के प्रत्याशी भी अब की बार इन समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं या नए समीकरण बना सकते हैं। ...2008 में आदिवासी सीट से सामान्य सीट में बदली मनेंद्रगढ़ विधानसभा की राजनीति बेहद दिलचस्प है। यहाँ के आदिवासी वोटर्स ने सभी सियासी दलों को बराबर मौका दिया। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के दीपक पटेल यहाँ से पहली बार सामान्य सीट से विधायक निर्वाचित हुए, जिन्होंने NCP के रामानुज अग्रवाल को मात दी थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने NCP को अपना समर्थन दिया था। मिशन 2018 के लिए यहां एक बार फिर टिकट के लिए सियासी दांव पेच चलनी शुरू हो गई है। बीजेपी में संभावित दावेदारों की बात करें तो अगले 5 साल के कार्यकाल के बाद श्याम बिहारी जायसवाल टिकट मिलने के प्रति काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। श्याम बिहारी विधायक बनने के पहले खड़गवा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं। वे ऐसे पहले विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से मिलने मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी में कार्यालय खोला और जनता से मिलने का दिन भी निर्धारित किया, जिसके वजह से उनकी लोकप्रियता अन्य विधायकों की तुलना में ज्यादा दिखाई देती है। उनके अलावा बीजेपी नेता लखनलाल श्रीवास्तव भी टिकट का दावा ठोक रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जब परिवार बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपस में किसी बातों को लेकर मतभेद भी होते हैं और किसी मुद्दों को लेकर आपस में असहमति भी बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई नाराज हैं। सभी लोग इस बार कमर कसे हुए हैं और इस बार का चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के इतिहास का सबसे रोमांचक चुनाव होगा और इसके लिए हमारी क्षेत्र की जनता भी काफ़ी रोमांचित है और इसके लिए तैयार हैं। मुझे आशा है कि इस बार आने वाले चुनाव में जो 2018 का हमारा विधानसभा का चुनाव होगा एक ऐतिहासिक चुनाव साबित होगा। हर लोगों की नहीं तो जो भी रहेगा वो मानव स्वभाव ही है कि जो अपेक्षा लोगों की रहती है वो आज के समय में अपेक्षा लोगों की बढ़ती जा रही है और हर चीज़ की प्रक्रिया होता है, हर चीज़ काम करना संभव नहीं होता और जो नियमानुसार जो होता है वही काम हो पाता है, इसलिए स्वाभाविक है होता रहता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में दावेदारों की बात करें तो यहां एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति नजर आती है। कांग्रेस से यहां अब तक 24 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें मनेंद्रगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष राजकुमार केसरवानी, डॉक्टर विनय जायसवाल और अधिवक्ता रमेश सिंह के साथ ही पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल का नाम आगे चल रहा है। राजकुमार नगरपालिका अध्यक्ष के पहले 2 बार पार्षद रह चुके हैं और मनेंद्रगढ़ शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस में चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सियासी माहौल के बीच ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़कर महापौर बनने वाले और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए डोमरू रेड्डी भी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस इतनी सरल और सहज पार्टी है कि कांग्रेस जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी निसंदेह क्षेत्र का नेतृत्व वो करेगा। हमारे यहाँ पार्टी आलाकमान बहुत ही संजीदगी से अपने प्रत्याशी का चयन कर रही है और हमारे बीच में ही कोई ऐसा एक प्रत्याशी देगी जो इस क्षेत्र में का नेतृत्व करेगा। यह एक बात बता दूं कि कांग्रेस में एक सरल से सरल सिपाही भी इस प्रत्याशी बन सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र में परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी और जो हमारे आलाकमान जिसका भी आदेश करेंगे कि यह प्रत्याशी होगा, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर लगकर उसे जिताएगा और इस बार निस्संदेह कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार है, ये युवाओं का शोषण करने वाली सरकार है, ये किसानों का शोषण करने वाली सरकार है, ये श्रमिक विरोधी सरकार है और इस बार कांग्रेस को पूरे विधानसभा से हर जगह बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और निश्चित रूप से इस बार मनेंद्रगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि जितने 24 जो दावेदार हैं ये सभी योग्य हैं, लेकिन किस्मत से एक जो होगा वो पार्टी का चेहरा बनेगा और जो 23 लोग होंगे वो पूरे कमर कस के इस भ्रष्टाचारी सरकार का अंत करेंगे, ये तय है। मनेंद्रगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी अपनी मौजूदगी की वजह से चर्चा में है। हालांकि पार्टी ने यहां प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जोगी परिवार से ही कोई मैदान में उतर सकता है।
मनेंद्रगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। पार्टी के जिलाध्यक्ष आदित्य डेविड की टिकट पक्की मानी जा रही है। पिछले चुनावों में गोंडवाना ने यहां काफी अच्छा प्रभाव डाला था और अब कांग्रेस से गठबंधन न होने की स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहां पूरा दम लगाएगी। अब देखना यह है कि यहां की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पे वर्तमान विधायक का नाम सूची में सबसे ऊपर नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से टिकट के लिए 24 दावेदार मैदान में हैं। चर्चा ये भी है कि जोगी परिवार का कोई एक सदस्य मनेंद्रगढ़ सीट से अपनी किस्मत आजमा सकता है। ऐसे में टिकट जिसे भी मिले ये तो तय है कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट का मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24, मनेंद्रगढ़। चलिए, समीकरण, मुद्दे और किसने दावेदार ये तो आपने जान लिया, लेकिन आप जरा लोगों की जुबानी सुनिए कि विधायक जी ने उनके मुताबिक काम किया कि नहीं किया, क्या लोगों की अपेक्षाएं थी जो अधूरी हैं, क्या काम हुए हैं जो पूरे हो पाए। जनता की जुबानी। आम लोगों को मिलने का मौका मिला, विधायक दुख सुख में हर जगह पहुँचते हैं और जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में जो विकास हुआ है सब विधायक की देन है। कुछ विषय थे जो हमारी जनता की डिमांड थी काफ़ी दिनों से, वो नहीं हो पाई, उसका जोर हमें भी थोड़ा सा खेद है और तकलीफ तो है उस चीज़ की। नहीं हो पाया है सर, कोई काम नहीं हो पाया है, काम जो होना चाहिए था वो काम नहीं हुए हैं और यहाँ उनकी किसी योजना का यहाँ कोई लाभ तो उठा नहीं पाया है, कोई यहाँ तो योजना नहीं पहुँच पाई है। नहीं, डेवलपमेंट जो मूलभूत डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ है। पिछले 15 वर्षों में ये जो पंचवर्षीय रहा ये कुछ संतोषजनक रहा। अच्छा था उसका कार्यकाल, मतलब चिनमरी के लिए विकास के लिए थोड़ा कम था, लेकिन बाकी कार्यकाल उसके कार्यकाल में काम हुए हैं तो उतने काम नहीं हुए जितने होने चाहिए। कि मतलब बड़े बड़े ओवरलोड ट्रक जा रहे हैं रात में, दिन में कोई समय सीमा नहीं है इनका, किसी भी समय चले जा रहे हैं, किसकी किसकी कमी है ये हम बता नहीं पाएंगे, पर ये हो ऐसा ही रहा इन शहर में। चलिए अब विधायक जी को भी सुन लेते हैं। मनेंद्रगढ़ के विधायक हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनके मुताबिक क्या उन्होंने काम किया और क्या उनकी आगे की योजनाएं, देखते हैं। विधायक जी, 5 वर्ष का जो आपका कार्यकाल है वो कैसा रहा, क्या आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं? मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल बेहद शानदार रहा और मैं अपने कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। न केवल मैं ही अपितु क्षेत्र की जनता भी मेरे इस कार्यकाल से संतुष्ट है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मामले हैं जैसे हॉस्पिटल हो गया, सारी सुविधाओं की बात हो गई या फिर यहाँ के पावर प्लांट हो गए, वो अभी भी अधूरे हैं और पूरे नहीं हो पाए, इनके बारे में क्या कहेंगे? उस मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैंने स्थापना हेतु बजट में प्रावधान कराया, उसकी स्वीकृति प्राप्त किया। साथ ही मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में पेयजल के संकट को दूर करने के लिए एक हंसदेव नदी में विशाल एंडीकट के साथ उसका जो जल आवर्धन उसको प्रारंभ कराया। वहाँ व्यापारिक शहर है, पावर कट होते थे, उसको दृष्टिगत रखते हुए 3311 KV का एक सब स्टेशन सिद्ध बाबा पहाड़ के पास स्थापित हुआ है। वहाँ मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में व्यापार बढ़ सके इसके लिए एक योजना बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों को हम कैसे जोड़कर वहाँ व्यापार बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में लगभग 200 करोड़ रुपए का पुल पुलिया के निर्माण के साथ मनेंद्रगढ़ को उसके ग्रामीण क्षेत्र और खड़गवां के ग्रामीण क्षेत्रों का जोड़ने का मैंने काम किया है। यहाँ से लोग काम धंधा खोजने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर से बाहर जाते थे। मुझे बेहद खुशी है कि इन 5 साल के कार्यकाल में लाइवलीहुड की मैंने पूरे प्रदेश में जहाँ प्रत्येक जिले में एक एक लाइवलीहुड कॉलेज है, ये प्रदेश का पहला और जिले के हिसाब से 28वां लाइवलीहुड कॉलेज है चिरमिरी में खोले हैं। यहाँ लोग प्रशिक्षित होके स्किल डेवलप करके रोजगार को प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या लगता है कि क्षेत्र ने विधायक चुन के दिया, सांसद चुन के दिया, लेकिन जब स्थानीय चुनाव की बात आई तो विपक्ष पे ज़्यादा भरोसा किया क्षेत्र के लोगों ने? देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और स्थानीय मुद्दे कभी कभी सत्ता के विपरीत भी होते हैं। ये आज का ही नहीं, ये वर्षों का एनालिसिस उठाकर देखेंगे तो ये रिजल्ट मिलता है। और हमने कई स्थानों पर झगड़ा खांड, मनेंद्रगढ़ में तो 200-300 वोटों से पीछे रहे हैं और वार्डों में चिरमिरी में हम नगर निगम जरूर हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा पार्षद हमारे पास हैं, कांग्रेस से ज़्यादा वोट हमको मिले,
देखिए विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है, वो उनके पास मुद्दा विहीन पार्टी है विरोध में। आज तक मैं आपको बताऊं 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने एक बार भी मेरा किसी प्रकार का विरोध में इन्होंने एक आंदोलन तक नहीं कर पाया। तो इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर से विधायक जनता के बीच में जाएंगे और अपने लिए वोट मांगने का काम करेंगे। ऐसे में अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आने वाले समय में विधायक के कार्य से संतुष्ट है या नहीं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24, मनेंद्रगढ़। तो चलिए, मनेंद्रगढ़ के विधायक के मुताबिक उन्होंने काफी काम किया है और उनके काम से जनता संतुष्ट भी है। तो मूड मीटर वो पैमाना है जिसके जरिए हम आपको 3 रंगों के आधार पर बताएंगे कि जनता का मूड दरअसल है क्या। अगर लाल रंग पर आकर कांटा रुके इसका मतलब खतरा है, स्थिति गंभीर है। अगर पीला रंग आए मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हरा रंग आता है मतलब विधायक जी को पास किया है प्रदेश और खास तौर से इस इलाके की जनता ने। तो देखते हैं आप कि क्या जनता कहती है, पास करती है, फेल करती है, मेहनत दिखाती। देखें, तो आज के लिए बस इतना ही। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में फिर से किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और मूड मीटर के जरिए वहां की जनता का मूड भी आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार, धन्यवाद।